जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी, स्वागत है अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन और आज हम दोस्तों जो यूपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आज एग्जाम हुआ है 13/11/2021 को, इसकी आंसर की लेकर के आए हैं। बिल्कुल स्टीक है दोस्तों, एक भी आंसर जो है ऊपर नीचे इसमें नहीं है। आप मैंने वेरीफाई किया है सभी क्वेश्चन को वेरीफाई करने के बाद ही मैंने आंसर की लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप सीधा आंसर देखना, हम ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ डिटेल जो आसपास की वो हम करेंगे। 31 देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहाँ के कौन से पुत्र ने जो है बहादुरपुर के युद्ध में जो है लड़ाई लड़ी थी या लड़ाई की थी। तो ये दोस्तों इसमें जो है 31 का शाह शुजा रहेगा, क्योंकि शाह शुजा जो था मेन था इसके अंदर लड़ाई के अंदर, और ये जो था जय सिंह और जो दारा का पुत्र था उसके साथ इसका युद्ध हुआ था, और ये युद्ध इनका 14 फरवरी 1658 के लगभग हुआ था, 14 फरवरी और 1658। थोड़ी बहुत डिटेल हम करते रहेंगे ताकि दोस्तों बेनिफिट मिलता रहे इस चीज़ का भी। चौथ का कितना भाग जो है मुकासा कहलाता था, दोस्तों ये मुकासा जो है ये जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका बी रहेगा, 2/3 भाग को जो है मुकासा बोलते थे, और छत्रपति के लिए शायद कुछ ये काम आता था, तो इतने डिटेल में इसको नहीं करेंगे। महसूल से क्या अभिप्राय है दोस्तों, महसूल यहाँ पे क्या था, महसूल है इसके अंदर वास्तविक जो राजस्व प्राप्त होता था उसको महसूल बोलते थे, तो ये सी इसका राइट आंसर रहेगा। 34 देखिए, मुर्शिद कुली खान ने जो जब्ती प्रथा या जब्ती व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की थी, तो दक्कन में इसने सबसे पहले इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था। 35 देखिए, शिवाजी के अष्ट प्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन होता था। तो दोस्तों कई बच्चों ने इसका गलत आंसर किया होगा, नाजी दत्तों को लगाया होगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा मोरो त्र्यंबक पिंगले जो है इनके पहले पेशवा थे, ये सबसे फर्स्ट पेशवा जो शिवाजी के थे ये थे, और पेशवा को ही सामान्य प्रशासन का उस टाइम प्रभारी कहा जाता था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। 36 देखिए, शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिसने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया। तो वित्त मंत्री की बात हो रही है, हमने सिर्फ वित्त मंत्री देख रहे हैं दोस्तों कि वित्त मंत्री इनका वो कौन था, तो वित्त मंत्री इनका था यहाँ पर रामचंद्र पंत, जो बावड़ेकर दिया गया है ये इसका राइट आंसर है, ये इनके जो है वित्त मंत्री रहे हैं। और दोस्तों मैंने UGC नेट के सभी एग्जाम डाल रखे हैं, क्योंकि अभी हमारा जल्दी UGC नेट एग्जाम होने वाला है, तो वो डिटेल करा रखे आप सारे देख सकते हो प्ले लिस्ट में जा करके, और अभी हरियाणा के अंदर एचटेट है तो एचटेट की सारे ही मैंने एग्जाम डाल रखे हैं, सभी स्टेट के टेट के एग्जाम डाले हुए हैं आप देख सकते हो, भी डिटेल मैंने करा रखे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की 7 वीडियो डाल रखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन आपको जो है हेल्पफुल रहेंगे हर एग्जाम के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, सारा हिस्ट्री का मैटर बहुत अच्छा आप जाके चेक कर सकते हो। 37 देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने जो चराई कर लगाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो 38 देखिए, किसने लिखा कि ब्रिटिश काल के आधुनिक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो हैं शेरशाह के जो सिखदार है सिखदारान के वैधानिक उत्तराधिकारी थे। इसमें दोस्तों थोड़ा डाउट है, लेकिन वैसे ज़्यादा काम आर ए कानूगो ने ही किया है इसके ऊपर, डाउट तो क्या कह सकते हैं, इसका आंसर ही कानूगो हो सकता है, क्योंकि कानूगो ने ही ज़्यादातर शेरशाह के बारे में लिखा है, तो इसका आंसर सी ही रहेगा। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, 39 तो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसने जो हक्के सुर्ब कुछ इस टाइप से नाम था, तो वो इसने जो है कर लगाया था, 24 प्रकार के करों को इसने बंद कर दिया था, लेकिन अब जो ये सिंचाई कर था ये इसने ही लगाया था। 40 देखिए, शेरशाह के जो सब प्रशासन में राय का क्या तात्पर्य था, दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राय की, तो राय क्या था, राय राज्य की मांग होती थी, फसल को लेकर क्या कुछ था, ये फसल दरों की सूची थी इसके अंदर, फसल दरों की सूची होती थी, तो वो कृषि उत्पाद में नहीं आएगा, यहाँ पे फसल दूरी जो फसलों के लिए राज्य का मान निर्धारित किया जाता था, यहाँ के यहाँ पर फसलों के लिए राज्य का भाग, फसलों के लिए राज्य का भाग इसका सही आंसर बनता है, फसलों के लिए राज्य का भाग, तो जब भी आप भाग की बात करोगे तो भाग में क्या है मांग आएगी, मांग वर्ड यहाँ इसमें दिया गया, तो ए इसका आंसर रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था राई, बच्चों ने पढ़ नहीं रखा था, कईयों ने गलत किया हुआ है। शेरशाह का तो चांदी का रुपया है वह कितने ग्रेन का था, चांदी के रुपये की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पे 178 लगाया गया, लेकिन दोस्तों इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 179 होना चाहिए, क्योंकि जो जब भी आप इसका आंसर बुक्स के अंदर देखोगे तो ये 180 ग्रेन दिया गया है, 180 ग्रेन जो है इसके पास में जो है 179 ही पड़ता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, ना कि 178, क्योंकि जो इनका इसका सिक्का था वो 180 ग्रेन का दिया गया है। 42 देखिए, औरंगजेब ने जजिया कब हटाया था, तो ये 1679 में आपने पढ़ी रखा होगा, बिल्कुल इजी आया हुआ था। 43 देखिए, मुगल प्रशासन में जो है सिवना निगार का क्या कारण कार्य था, तो मैंने दोस्तों UPPGT के अंदर जो अभी एग्जाम हुआ था UPPGT का, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है,
अगर आपने वहां से थोड़ा बहुत इसको देखा होता तो आप इसको गलत ना करते। बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर रखा है, सुदगोरों पर नियंत्रण लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल ही गलत था। जागीरदारों पर नियंत्रण इसका राइट आंसर ए रहेगा। जागीरदारों पर नियंत्रण मैं पहले भी आपको ये करा चुका हूँ। 44 देखिए, अकबर के शासनकाल में किस वर्ष में मनसब जो है प्रदान किए गए थे? तो ये दोस्तों जो है मनसब प्रदान किए गए थे 1575 में, और 1575 जब आप चेक करोगे तो ये शायद 19वां वर्ष बनेगा जा करके, अकबर के शासनकाल के 19वें यहाँ पे दिया नहीं गया, तो 12वां बनेगा यहाँ पे। 1575 में ये स्टार्ट हुई थी मनसबदारी जो प्रथा थी, प्रणाली थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 12वां यहाँ पे, क्योंकि आप इसमें जोड़ के देख लीजिए, घटा के देख लीजिए, तो 19 जब भी आप घटाओगे तो इसका शासनकाल निकल आएगा। 19वां यहाँ नहीं दिया गया, तो यानी कि 12वां ही इसका आंसर रहेगा। नायकर जो व्यवस्था थी यह कहाँ पर प्रचलित थी? तो विजयनगर के अंदर नायकर प्रथा जो है प्रचलित थी, और काकतीय साम्राज्य से इन्होंने, विजयनगर वालों ने इसको लिया था। 46 देखिए, मलिक उस सोरा की उपाधि जो है शेख अब्दुल फैजी की थी। सल्तनत काल में कूफी क्या था? थोड़ा सा इसमें डाउट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको इसका आंसर पता है आप कमेंट चेक कर लेना दोस्तों, जो जो इस वीडियो को देख रहे हो आप कमेंट में इसका आंसर देख लेना। मैं इसको थोड़ा सर्च करूंगा तो इसका आंसर मैं कमेंट में डाल दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में ये है कि थोड़ा बहुत डाउट है, आप कमेंट चेक करते रहना, कमेंट में आपको जो एक दो क्वेश्चन है वो नीचे मिल जाएंगे। तो इसका कुछ भी नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, कुरान से संबंधित सुलेख कूफी नहीं हो सकता, संगीत वाद्य यंत्र या कुछ गुंबद वगैरह इसमें आंसर हो सकता है। 48 देखिए, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग के लेखक कौन है? तो मोती चंद्र जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। 49 देखिए, होला जो मोहल्ला नामक प्रथा थी ये किसने स्टार्ट की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट की थी। 49 का रहेगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। जिसमें डाउट है मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ, कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो रामानुज का जो विशिष्टाद्वैतवाद सही दिया गया है, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद जो सही दिया गया, माधवाचार्य का द्वैतवाद सही दिया गया, निम्बकाचार्य का अद्वैतवाद यहाँ पे गलत दिया गया। तो यही इसका आंसर है हमारा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि निम्बकाचार्य ने जो है अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को मिला करके सनक संप्रदाय बनाया था इन्होंने, और इनका जो है द्वैताद्वैतवाद और जो है जिसको भेदाभेद बोलते हैं, द्वैताद्वैतवाद और भेदाभेद इनका रहा है, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ इसका आंसर जो है हमारा डी रहेगा। 51 देखिए, कुतुबन ने एक रहस्यात्मक प्रेमाख्यान के काव्य पुस्तक को हिंदी में लिखा, उसका नाम बताइए? तो ये मिर्गावती था, ये सामने ही दिया गया, जब भी आप कुतुबन को पढ़ते हो तो साथ में इनकी बुक्स दी गई है। 52 देखिए, यहाँ पे क्या करना था, कौन सुमेलित नहीं है? तो जब आप इनकी बात करते हो कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए दर राज ऑफ रानी वाला जो यहाँ पे ये गलत मैचिंग में है, यहाँ पे मीना भार्गव नहीं आएगा, दर राज ऑफ रानी जो है ये लिखी थी यहाँ पे दोस्तों कोई तिप्ति रोय है, तिप्ति रोय ने ये बुक लिखी है। 53 देखिए, नीले पानी की नीति तो अल्मीडा से संबंधित है, 20 का राइट आंसर रहेगा। 1842 के जो बुंदेला विद्रोह के दमन में किसने अंग्रेजों की हेल्प की थी? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ये ए रहेगा, क्योंकि इन तीनों को जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये जब ये गणेश और ये मर्दन सिंह है, इन्होंने तो जो बुंदेलों का साथ दिया था, जवाहर सिंह और हृदय शाह में इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर मैं यहाँ पर ए लगा रहा हूँ। आप कमेंट चेक कर लेना, इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर मिल जाएगा, लेकिन ए मान करके चलिए। 1690 में जो चारनाक ने अंग्रेजी कोठी की स्थापना जो है अंग्रेज कोठी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये कलकत्ता, आंसर बिल्कुल आसान था इसका। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये मुदकी की पहली लड़ाई बोली जाती है दोस्तों, कि पहली लड़ाई मुदकी के अंदर हुई थी, और सेकंड जो है फिरोज शाह के अंदर हुई थी, फिरोज शाह की लड़ाई भी बोलते हैं उसको फिरोज शाह, और जो थर्ड जो लड़ाई थी उसको बद्दोवाल की लड़ाई बोलते हैं, बद्दोवाल, और फोर्थ जो थी ये अलीवाल के नाम से फेमस है। तो ये चार लड़ाइयाँ थी, पहली मुदकी थी। 57 देखिए, निम्न से श्रीलंका का विद्यालंकर बिहार में किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की गई? तो मैं इसका आंसर दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आप कमेंट भी देख लेना, कमेंट में आपको इसका आंसर दोबारा क्या तो चेंज मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी इसका आंसर राहुल सांस्कृत्यायन है, क्योंकि इनमें से और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता, ये और इस चीज़ में डाउट है, लेकिन डी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा। आप भी कमेंट कर सकते हो जिसमें आपको डाउट लगता है, तो मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ कमेंट के अंदर, और आपको टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नई नई अपडेट हम डालते रहते हैं, पीएचडी की नई सीट्स वगैरह जो भी निकलती हैं।
तो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। व्यपगत का जो सिद्धांत था वो किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया था? तो ये 1852 में जो है ये दोस्तों उदयपुर पर लागू हुआ था। 1848 में सतारा भी हुआ था और सबसे पहले सतारा ही था। 59 देखिए दोस्तों, रजत रे तथा जो रतन लेखा रे ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर जो स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव की व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से किस अवधारणा और परिकल्पना को प्रतिपादित किया? तो दोस्तों बच्चों ने यहाँ पे संस्कृतिकरण तो इसका नहीं हो सकता, एशियाई उत्पादन प्रणाली भी नहीं हो सकता, इन दोनों में बच्चों को डाउट था। जजमानी प्रणाली हम इसका लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये जजमानी कैसे हो सकती है, सेटलमेंट दिया गया है। तो जोतदार वर्ड से भी आप इसको उठा सकते थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी रहेगा, जोतदार परिकल्पना जो है रजत रे और ये रतन लेखा रे ने दी है। 60 देखिए, भारतीय जो थोड़ा सा बहुत ब्लर है दोस्तों, ये भारतीय नियामकों के भावी खरीदार और ब्रिटिश शासनकाल में लंदन में स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करने पड़ते थे? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर भी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कमेंट आप चेक कर लेना, कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि गलत आंसर हम करेंगे तो बाद में आप भी इसको ठीक मान के बैठ जाओगे। 61 देखिए, आर के पिंगल ने बम्बई प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भू राजस्व की मांग को उत्पादन के शुल्क मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया? तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों ने 66 लगाया, लेकिन 55% इसका राइट आंसर रहेगा। आपने अगर जो है प्लासी से विभाजन तक जो शेखर बंदोपाध्याय की बुक है अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये एज इट इज़ दी गई है चीज़, तो वो बुक आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री से हैं अगर तैयारी कर रहे हो यूसी नेट वगैरह की, तो आप ज़रूर पढ़े उस बुक को, काफ़ी अच्छी बुक है। 62 देखिए, 1917 में किसने उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था जो लंदन में भारत सचिव से महिलाओं को मताधिकार की मांग के लिए मिलने गया था? तो ये सरोजिनी नायडू थी और ये 1917 में यहाँ पे जो है लंदन में ये गई थी, और ये 15 दिसंबर 1917 को ये 14 महिलाएं इनके साथ थी, 14 ये भी आप याद रखिए कि 14 लेडीज थी ये, और इनका नेतृत्व जो है सरोजिनी नायडू ने किया था। 63 देखिए, एक प्रमुख कृति वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया जो है किसकी रचना है? तो ये दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिमा अस्थाना की ये रचना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में भी ये आपके काम आएंगे, किसी भी स्टेट में होगा। जो 1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंगल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का था? तो यहाँ पे एचटी प्रिंसेप जो है दोस्तों ये जो है प्राच्यवादी गुट से जुड़े हुए हैं। मैकाले नहीं हो सकता, चार्ल्स ग्रांट नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इंग्लिश की वकालत की थी, आप जब भी पढ़ोगे। विल फोर्स जो है पहले से ही 1813 में जो इनका एक्ट आया था उसके अंदर पहले से ही ये कुछ जुड़ना जाता था जो अंग्रेजी वगैरह को लेकर के था, तो आप इससे भी इसको आंसर लगा सकते थे। 1921 में गांधी जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए स्वराज्य नामक समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया? तो इसमें है थोड़ा डाउट दोस्तों, क्योंकि डाउट ऐसा है कि एक स्वराज था और एक स्वराज्य, दो अलग अलग न्यूज़पेपर थे, तो स्वराज जो था वो मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था, तो इसमें थोड़ा डाउट है, मैं सीआर दास के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका क्लियर आंसर नहीं लगा रहे, कमेंट में आप चेक कर रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन आइए आपको कमेंट में इसके आंसर राइट मिल जाएंगे, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 65 मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको बाद में देखते हैं। 66 देखिए, किसने 1940 में जेल से एक पत्र लिखा और जिसमें कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके, आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सके? तो दोस्तों महात्मा गांधी, बच्चों ने आंसर लगाया, ये सारी गलती यहाँ पे हुई है, ये यहाँ पे डेट जो है बिल्कुल गलत दी गई है। गांधी जी अगर आप देखोगे 1940 के अंदर ये जेल में भी नहीं थे। जब आप इस कोटेशन को पढ़ोगे तो ये किसने बोला है दोस्तों, ये जो है जतेंद्र नाथ दास ने बोला है, जो 1929 के अंदर ही इनकी डेथ हो चुकी है, तो दिसंबर 1929 में शायद इनकी डेथ हुई है, और यहाँ पे अगर 1929 होता तो इसका आंसर जो है जतिन दास आएगा, और सुभाष बोस तो ऐसा इन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि ये जेल में पहले जेल के बाद ये नज़रबंद हो गए थे, तो ये चीज़ जो है जतिन दास, इसका आंसर मैं यहाँ पे बी लगाऊंगा, यहाँ पे इसका आंसर जो है सभी को मिल सकता है, यानी कि ये सबका क्वेश्चन ठीक हो सकता है अगर लोग इस जो बच्चे हैं इसके ऊपर कुछ करते हैं ऑब्जेक्शन वगैरह। 67 देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? तो ये की थी चिदम्बरम पिल्लई ने, और ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसा किया गया था। 68 देखिए,
किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? 1936 लखनऊ। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस संगठन की स्थापना की? बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूज थे कि ये लगाए या ये लगाए, लेकिन इसका आंसर ये दोनों में से नहीं था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी 1936 के अंदर, ये इन्होंने संगठन बनाया था, तो राइट आंसर बी है इसका। 70 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार और वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन चलाया था? ये बद्रीदत्त पांडे थे। कोई भी और सज्जन सरस्वती यहाँ पे यूपी से संबंधित थे, शंभूपाल ये भी यहाँ पे नहीं थे, गोरा देवी भी नहीं थी, तो ये इसका राइट आंसर बी रहेगा। किसने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहाँ धर्मपंथी राजनीति की आलोचना, जब आप धर्मपंथी राजनीति की आलोचना से ही इसका आइडिया लगा सकते थे, क्योंकि ये सारे यहाँ पे जो है आलोचना इन्होंने की है, तो अरविंद घोष इसको आपने याद रखना था, तो अरविंद घोष इसका राइट आंसर है। नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो ए जैक्सन की गोली मारने के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया, तो ये अनंत लक्ष्मण कन्हरे को दिया गया था। किसने भारत के विभाजन के समय अप्रहित महिलाओं को वापस लाने के में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो ये सुचेता कृपलानी थी, और सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू भी हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट मान के चलिए आप, ये डाउट में ही है फिलहाल, राइट ना मानिए इसको भी, कमेंट जरूर चेक करना आप। और दोस्तों जब मैंने इनका अपना जो कॉमन हो पेपर था 1 से 30 जो क्वेश्चन थे, थोड़ी देर तक मैं वो भी डाल दूंगा, आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। नेहरू लियाकत समझौता जो 1950 में हुआ था वो किस बात को निपटाने के लिए होता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा अधिकार के लिए होता। उद्योग विकास और विनियमन जो अधिनियम है जिसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की अवधारणा जो संसद द्वारा पारित किया गया 1951 में हुआ था ये पारित। 1949 में संविधान सभा ने किसने कहा था कि भारतीय सिविल सेवकों ने सदस्यों ने जो है भारतीय संघ के प्रति क्या है देशभक्ति पूर्ण और निष्ठा का व्यवहार किया, तो ऐसा आप आइडिया लगा सकते थे। सरदार पटेल से भी इन्होंने नाविकों के बारे में भी कुछ इस टाइप की टिप्पणी की थी कि हमें जरूरत है बाद में आज़ाद होने के बाद इन नाविकों वगैरह की, तो इससे भी आप इसका आइडिया लगा सकते थे। 1952 के द्वितीय संशोधन अधिनियम से संविधान के किस संशोधन को किस अनुच्छेद की बात हो रही है को संशोधित किया गया, तो ये अनुच्छेद 81 आएगा, बच्चों ने गलत किया हुआ है इसका आंसर। किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई, ये हुई थी दोस्तों यहाँ पे 1959 के अंदर, सी इसका राइट आंसर रहेगा, और ये एक्ट नंबर यहाँ पे इसका 43 था। भारत सरकार की आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई, तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए और सहायता व सलाह हेतु, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार 79 ए जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस किसने लिखी, तो ये लिखी है दोस्तों यहाँ पर डी, यहाँ पर जे बर्कहार्ट जो है ये जैकोब है, यहाँ पे जैकोब बर्कहार्ट ने ये लिखी है। 81 देखिए, 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार को 4 वर्षों के अंदर कुछ ताकत प्रदान की, तो ये विशेषाधिकार एक्ट था जिसको यहाँ पे एनेबलिंग एक्ट भी बोलते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पे दोस्तों ये बुक लिखी है यहाँ पर द प्रोटेस्टेंट एंड द एथिक स्पिरिट, एक बार दोस्तों रुकिए एक मिनट, इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, ये बुक मैक्स वेबर ने लिखी है शायद, मैक्स वेबर यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, आप चेक कर लेना या नेट पे भी आपको मिल जाएगी। यह परिकल्पना किसने प्रतिपादित की कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार के लिए होड़ का परिणाम था, तो यहाँ पे टाइन भी इसका आंसर हो सकता है, आप कमेंट चेक कर लेना, ये क्वेश्चन अभी वेरीफाई नहीं है। 84 में भी थोड़ा डाउट है, बाद में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। नेल्सन मंडेला को जेल की सजा कब मिली, तो ये इनको जो सजा मिली थी दोस्तों 85 का जो राइट आंसर रहेगा 1964 जून 1964 में मिली थी। इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी निवेश है यहाँ पे और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है, तो ये देता है दोस्तों यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन जो है इस पर बल देता है। दीवान ए मखफी किसने लिखी, तो ये जो है जहाँ आरा ने लिखी थी, ए राइट आंसर है। मौलाना बरी द्वारा ये दोस्तों फिरंग ए रसीदी इसका आंसर हो सकता है, फैजी वाला नहीं होगा,
मौलाना बरारी द्वारा जो है 1673 में जो वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम क्या था, तो ये इन दोनों में डाउट है दोस्तों इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से डी होना चाहिए इसका। डाउट वाले क्वेश्चन आपको जो है कमेंट में जरूर मिल जाएंगे। फकरे मुदब्बिर द्वारा युद्ध पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। यूजी नेट लेवल में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये है अब्दुल उल हर्ब जो है ये बुक थी। फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था, ये देवराय सेकंड के टाइम में आया था। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है नसरुद्दीन महमूद का है और इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। वैष्णव संत अंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है, तो ये श्री विल्ली पुथु जो यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है ये इसका राइट आंसर है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की, इल्तुतमिश ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपने पढ़ा भी होगा। विद्वान विद्या चक्रवर्ती का संरक्षण कौन था, तो ये वीर बल्लाल तृतीय जो था ये इसका संरक्षक था। और इसकी एक दोस्तों रुक्मणि कल्याणम बुक थी, वो आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है रुक्मणि कल्याणम, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए रुक्मणि कल्याणम। तो ये आप याद रखिए कि ये विद्वान जो विद्या चक्रवर्ती है इसकी बुक है और वीर बल्लाल तृतीय जो है इसका संरक्षक था। रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो ये इस्माइल आदिल शाह था और ये 1520 में युद्ध हुआ था जो कृष्णदेव राय के साथ में हुआ था। अक्रांता जो मुगल सेना की नाक काटने के लिए प्रसिद्ध था इनमें से कौन है, तो वो गढ़वाल की जो रानी कर्णावती जो है ये जो है नाक काटने के लिए फेमस थी, ये मुगल सेना की नाक काट देती थी इसके लिए ये फेमस थी। मेरुतंग की जो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्न से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था, तो यहाँ पे नायिका देवी जो है मेरा मानना है इसका राइट आंसर नायिका देवी। सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत पाया तो उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था, तो ये मानसिंह फर्स्ट था सिकंदर लोदी के टाइम में यहाँ पर इसका शासक, और 5 बार जो है सिकंदर लोदी ने इस पर आक्रमण किया है ग्वालियर के किले पर। किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा, तो ये आसफ खान था, बच्चों ने आदम खान लगाया है लेकिन ये नहीं है आदम खान, तो इससे पहले ही मारा जा चुका था। सो देखिए राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्र में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने के लिए दिशा में इसने ठोस कदम निम्नलिखित में से किसने उठाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही इसका आंसर हो सकता है, गियासुद्दीन तुगलक नहीं हो सकता, अलाउद्दीन खिलजी में भी इसका आंसर है। और आप जो है कमेंट कर सकते हो दोस्तों आपके कितने ठीक हुए।